अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। आज हम मलाई बिस्किट पुडिंग बनाएंगे, जिसमें बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं और ये बस 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमने एक कप भरकर पानी लिया, यानी कि 250 ml पानी। फ्लेम को हमने ऑन करके हाई किया है। हम उसमें आधे कप के करीब शक्कर डाल देंगे, ये तकरीबन 100 ग्राम होगी। चलाते हुए शक्कर के मेल्ट होने तक पकाएंगे। शक्कर मेल्ट हो गई है, हम इसमें कुछ धागे केसर के डाल देंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें। आप 3 से 4 इलायची डाल दें मुँह खोलकर। फ्लेम को हमने अभी लो करना है और 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर चाशनी को पकने देना है। चाशनी जब तक पकती है हम इसकी दूसरी तैयारियों पर चलते हैं। एक साइड पर बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने चाशनी को पकने के लिए रखा। यहाँ हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है, आधा लीटर फुल फैट दूध यूज़ किया है। आधे लीटर में हमने बस 2 से 3 टेबल स्पून अलग किया है, क्योंकि हम उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर डालेंगे। दूध में हम मिल्क पाउडर मिलाएंगे, ये 1/3 कप है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होगा। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास डेरी वाइटनर अवेलेबल है तो डेरी वाइटनर डालें, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आधा लीटर के बदली आप 750 ml दूध ले लें और फिर उसे 7 से 8 मिनट तक पकाकर गाढ़ा कर लें। मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा क्रीमी और गाढ़ा दूध हो जाएगा फटाफट से। बस हमें दूध को अभी 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकने देना है, तब तक हम कुछ तैयारियां करते हैं। 3 टेबल स्पून दूध में हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे, ये हमारा वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। साथ में हम इसमें मैदा भी मिलाएंगे 2 टेबल स्पून। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिला लेना है, इसमें लम्ब्स नहीं होने चाहिए। अगर कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लें थोड़ा। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चेक करेंगे हमारी चाशनी तैयार हो गई कि नहीं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चाशनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। बस हम इसमें 1 से 2 बूंद रोज़ का एसेंस डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चाशनी में। इस तरह चलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। आपके पास ये एसेंस नहीं है तो रोज़ वाटर डाल दें, केवड़ा वाटर है तो वो डाल दें, या केवड़ा एसेंस 1 से 2 बूंद। बस फ्लेम को हमने बंद किया है, इसे एक साइड पर कवर करके रख देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ये पूरी तरह ठंडी हो जाए। दूध को भी पकते 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह दूध गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। हम इसमें शक्कर मिलाएंगे, हम यहाँ 2 टेबल स्पून शक्कर यूज़ कर रहे हैं। चलाएंगे 1 से 2 मिनट, तब तक शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। शक्कर मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ये मिक्सचर जो तैयार किए वो डालेंगे। एक बार चला कर देखेंगे, इसमें कोई लम्ब्स नहीं है। फिर इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसे, और चलाते रहेंगे। ये पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। पूरा मिक्सचर हमने डाल दिया लो फ्लेम पर, इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह चलाते रहेंगे। हमने 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए कंटिन्यूस पकाया। बस हमारी ये जो मलाई है ये तैयार हो चुकी है। चलिए अब लेयरिंग्स कर लेते हैं। इसकी लेयरिंग्स करने के लिए हमने ये वाले बिस्किट यूज़ किए हैं, रस्क बिस्किट। इस तरह से इसमें बड़ी साइज़ के भी मिलते हैं, तो आपको जो भी साइज़ मिले वो इस्तेमाल करें। पहले हम इसकी एक लेयर बना लेंगे। इस तरह से इसकी लेयर बनाने के बाद हम इस पर चाशनी पोर करेंगे। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा पोर नहीं करनी है। हमने हल्की सी चाशनी को दोबारा से गर्म किया है, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी, तो हल्का सा गर्म कर लें। थोड़ा थोड़ा इस पर डालेंगे और बस बिस्किट को हल्के हल्के भिगाएंगे। हम चाहते हैं कि ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी भी रहें और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएँ, तभी खाने में ये अच्छे लगेंगे। तो हमने आधी से थोड़ी कम चाशनी इस पर डाल दी है। चाशनी डालने के बाद हमें इस पर इस तरह से मलाई डाल देनी है जो हम तैयार किए हैं। हम इस पर थोड़े ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। हम हमेशा इस तरह ड्राई फ्रूट्स को छील कर कट करके सुखा कर फ्रिज में रखते हैं, तो डिज़र्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। बस फ्रिज से निकाला और फटाफट से सर्व किया।
इस पर एक और लेयर लगा देंगे बिस्किट की। सेकेंड लेयर बिस्किट की लगाने के बाद बस इसी तरह हमें इस पर थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल देनी है। इसे मलाई से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। बस थोड़ी सी चाशनी रह गई है, एक टेबल स्पून के करीब, वो हम फ्रीज़र में रख कर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, तो देखा आपने फटाफट से आधे लीटर दूध में हमने 15 ही मिनट में अच्छी सी डिज़र्ट बनाकर तैयार कर ली। तो आप ये डिज़र्ट को कभी ट्राई कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कैसी बनी, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप इसे जैसे चाहें वैसे गार्निश करें, हम ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी यूज़ करके गार्निश कर रहे हैं। अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं तो चोको चिप्स डालें, चॉकलेट को ग्रेट करके डालें, मनपसंद तरीक़ों से इसे गार्निश करें। फ्रिज में रखें 3 से 4 घंटों के लिए, बाद में सर्व करें। पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।